My dear kids, so today it's time to learn addition. Okay, so it's your second chapter. I know that you know how to do addition, but for a revision, we are moving through some kind of example. मुझे पता है कि आप लोग जानते हो कि addition कैसे करना है, but फिर भी हम लोग कुछ example के through आगे बढ़ते हैं. So I am writing here 541 + 232. Now, if we want to addition, then 2 plus 1, 3, 4 plus 3, 7, 5 plus 2, 7. Okay. अब अगर हम लोग 4 digit के साथ चलते हैं, then 4, 7, 2, 9, plus 3, 9, 2, 0. अगर ऐसा कोई digit दिया हुआ है, then 9 plus 0, 9, 2 plus 2, 4, 7 plus 9, 7 plus 7, 14, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, so we will put 6 here and 1 is as a carry. So 4 plus 1, 5, 6, 7, 8, total 8. So is tarike se hum log addition karenge, okay? Abhi hum log textbook ke through aage chalte hain. Textbook ke andar aapko fill in the blanks diya hua hai. You can see here, 28006 plus 100. अब इस तरीके के एडिशन हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं. मैं आपको एक ट्रिक सिखाती हूँ किस तरीके से आप लोग इस तरीके के एडिशन डायरेक्टली कर सकते हैं, जिसमें आपको कैलकुलेशन करने का नीड नहीं रहेगा. लाइक 6 प्लस 0 6, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 8 डायरेक्टली एंड 2 वी विल पुट डायरेक्टली. सो दिस इज द आंसर. अगर इसका हम लोग सॉल्यूशन करने जाते हैं तो इस तरीके से होगा 28006 प्लस 100. So 6 plus 0, 6, 0 plus 0, 0, 1 plus 0, 1, 8 का 8 और 2 का 2 वापस. तो इस तरीके से ये सॉल्यूशन होता है. बट अगर विदाउट सॉल्यूशन भी आप लोग अगर 0-0 वाले डिजिट के साथ अगर एडिशन करना चाहे तो विदाउट सॉल्यूशन आप लोग कर सकते हैं. नाउ वी विल मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. 3 प्लस 0, 3, 5 प्लस 0, 5, 9 प्लस 0, 9, 7 प्लस 1, 8 एंड 8 वापस. जैसे तो इस तरीके से 88953 विल बी द आंसर. नाउ 26785 प्लस 10, सो 5 प्लस 0 5, 8 प्लस 1 9, देन 7 रिमेनिंग एज इज यूजुअल, देन 6 देन 2. 26795 इज द आंसर. नाउ यू नो अगर किसी भी डिजिट में 0 ऐड करते हैं तो वो डिजिट एज यूजुअल एज इट इज वापस आ जाती है. तो अभी आपको ये जो क्वेश्चन है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यहां तक आप लोगों को होमवर्क में अपने आप खुद करना है विदाउट सॉल्यूशन. ओके, विदाउट सॉल्यूशन डायरेक्टली ये सॉल्व करने का ट्राई करना. आप लोग ये डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, बट इतना ध्यान रखना है कि यहां पर जैसे ये 1 जो है वो 10,000 की पोजीशन पे है, तो यहां पर 10,000 की पोजीशन पे 7 है, तो 7 और 1 का प्लस होके 8 आ जाएगा, बाकी पूरी डिजिट एस इट इज रहेगी, जैसा कि मैंने आप लोगों को समझाया है. तो इस तरीके से आप लोग इसका एडिशन करेंगे. नाउ वी विल मूव विद द क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोगों को दिया हुआ है 88457 प्लस 10521. इसका इन दोनों का प्लस जब करते हैं तब जो आंसर आएगा उसमें अगर ये प्लस करते हैं तो दोनों इक्वल हो जाते हैं. तो इसका मतलब यहां पे क्या आएगा, 10521. क्यों? क्योंकि 88457 में 10521 प्लस करो या 10521 में 88457 प्लस करो, मींस 10 प्लस 2 करो या 2 प्लस 10 करो, आंसर हमेशा कैसा आएगा, सेम. सो इसी तरीके से यहां पर भी सिर्फ इस डिजिट को उल्टा फुल्टा किया हुआ है, आगे पीछे किया हुआ है. तो इस तरीके से आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं. नाउ इन द सेम वे नीचे आपको एक और क्वेश्चन दिया हुआ है 20521 18374 बचा क्या 16564. यहां पर जो तीन डिजिट है वही तीन डिजिट यहां पर भी होगी, तो इन दोनों का प्लस हमेशा कैसा होगा, सेम. जैसे मैंने आपको यहां समझाया 2 प्लस 3 प्लस 4 करते हैं या फिर 4 प्लस 2 प्लस 3 करते हैं, आंसर कितना आएगा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 4, 5, 5, 4, 9. तो आंसर कैसा आया, सेम. तो बस यहाँ पे अपने को सिर्फ डिजिट उल्टा पुल्टा किया हुआ है. तो इस तरीके से आप लोग ये क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे. ओके, नाउ टर्न द पेज. यहाँ पे आप लोगों को
थ्री डिजिट एडिशन सिखाया हुआ है कि अगर तीन नंबर्स का एडिशन एक साथ करना है तो हम लोग कैसे करेंगे. तो हम लोग, मैं इसका आपको सॉल्यूशन करके बताती हूँ. क्वेश्चन नंबर 1 5 7 0 3 8 6 4 2 3 plus 3 0 8 7 2. So now if we are doing addition, then 8 8 9 10 11 12 13 13 means 3, we will put 1 as a carry. 7 8 9 10 11 12 13, then put 1 carry. 8 plus 4 12 plus 1 13 13, then we will put 1 carry. 7 plus 1 8, then 9 10 11 12 13 14, 14 plus 1, 5 plus 1, 6, 7, 8, 9. So here this is the answer. So in this way, you will do addition and you should complete question number 1, 2, 3, 4, 5 in textbook itself. यहां तक आपको टेक्सटबुक के अंदर ही कंप्लीट करना है. ओके.